ओके, सो सी द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर. एक मैं बता देती हूँ, अमोनिया आपने खुद करना है, ठीक है. ऑक्सीजन इज द सेंट्रल एटम, तो ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, 1s2, 2s2 एंड 2p4, राइट. 8 नंबर है ऑक्सीजन का, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये हो गई. अब हमने ये वाले दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एस में फिल करने हैं. सिमिलरली दीज बोथ इन दी 2s, ठीक है. तो ये 1s है और ये 2s है, एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स भी आपको फिल इन द 2p ऑर्बिटल. तो जो 4 हैं वो ऐसे फिल्ड होंगे, ठीक है. पहले सबको सिंगली फिल्ड करना है, फिर हमने उनकी क्या करनी है, पेयरिंग स्टार्ट करनी. ओके, अब कितने हाइड्रोजन्स मैंने लगाने हैं, वी हैव टू प्लेस हाउ मेनी हाइड्रोजन्स, 2. ओके, सो यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन, तो ये दोनों हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं. ओके, बट हेयर यू ऑल्सो नो कि ऑक्सीजन की यहाँ पर, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है 1, 2, 3, 4 के साथ, ठीक है. तो इट विल बी इन्वॉल्विंग दीज बोथ ऑल्सो, 4, 5, 6 और 7, 8, ठीक है. तो ये सारे जो हैं यहाँ पर बॉन्डिंग में आएंगे. ओके, दीज ऑल 4 दे विल बी इन्वॉल्व इन दी बॉन्डिंग, क्लियर. तो ये दोनों जो हैं वो एज लोन पेयर जाएंगे, और ये दोनों जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड में जाएंगे. ओके, सो इन दिस वे यू विल बी फॉर्मिंग ओ एच एंड एच विद 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सिमिलरली आपने अमोनिया में काउंट करना है. अमोनिया में एक लोन पेयर है, तो आपने 2s वाला जो है वो अकाउंट कर ले, क्योंकि अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाओगे तो अमोनिया का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आएगा, ऐसा ही आएगा ना, 7, ठीक है. तो 3 हाइड्रोजन्स लग जाएंगे, और आपने ये वाला एक लोन पेयर काउंट कर लेना. तो अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, एक लोन पेयर और 3 हाइड्रोजन, ठीक है. तो इसी में ही मैंने आपको अमोनिया का स्ट्रक्चर भी बता दिया. ओके, सो इन दिस वे यू हैव टू फॉर्म वाटर एंड अमोनिया विद 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर. क्लियर बेटा, चलिए अब आगे चलते हैं. आज लेट्स डू द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन टुडे, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट. कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. सी व्हेन वी टॉक अबाउट बोरोन, बेरिलियम, ये वाले स्ट्रक्चर्स हम डिस्कस करके आए हैं, ठीक है. वी हैव डिस्कस्ड द स्ट्रक्चर्स ऑफ बोरोन, बेरिलियम, Cl3, BCl2, ठीक है. हमने ये स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए हुए हैं. अब अगर मैं इनका स्ट्रक्चर देखूं, जैसे बेरिलियम है, बेरिलियम इज 1s2, 2s2, तो BeCl2 इजीली फॉर्म हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, क्योंकि इट इज हैविंग 2 वैलेंस, ठीक है. तो ये स्ट्रक्चर जो है वो इजीली फॉर्म हो सकते हैं. बोरोन के लिए भी BCl3 इट कैन बी इजीली फॉर्म, क्यों, क्योंकि बोरोन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं कॉन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग, 1s2, 2s2, 2p1, ठीक है. बोरोन का 5 है ना, तो 2 और 1 3, तो हमें दिख रहा है दैट इट इज हैविंग 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट इज हैविंग 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो हम इसके इजीली बॉन्ड जो है वो फॉर्म कर सकते हैं. ओके, बट व्हाट अबाउट कार्बन. अगर मैं कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन देखूं, सी कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p2, ठीक है, 2p2 हो गया. अब अगर मैं इसको इन्वॉल्व करूंगा अकेले पी को, तो मुझे दिख रहा है कि पी के साथ जो कार्बन है उसकी वैलेंसी पूरी नहीं हो रही है. दैट मीन्स इन द केस ऑफ दिस कार्बन, ठीक है, अगर मैं पी का केस लूं ऐसे करके, तो कार्बन इज टेट्रावेलेंट, यानी कि ये वाले एस ऑर्बिटल्स भी तो इन्वॉल्व होंगे इन सब में, ठीक है. इन सब में ये वाले एस ऑर्बिटल्स भी इन्वॉल्व होंगे. अब जब एस और पी, कल हम पढ़ के आए हैं दैट वी आर हैविंग अ मिक्सचर ऑफ ऑर्बिटल्स SpDs, ठीक है. एंड जब आपने बॉन्ड की बात की, बॉन्ड स्टेबलाइजेशन की बात की, तो आपने ये कहा कि जो बॉन्ड एस एस से ओवरलैप होके बन रहे हैं वो ज्यादा स्टेबल हैं,
एज कंपेयर टू जो एस पी से ओवरलैप हो रहे हैं, एज कंपेयर टू जो पी पी वाले ओवरलैप से बन रहे हैं, ठीक है। यानी कि स्टेबिलिटी फैक्टर किस पे डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का क्या यूज कर रहे हो आप, ऑर्बिटल यूज कर रहे हो। अगर तो दोनों सेम सेम ऑर्बिटल दे विल बी क्वाइट स्टेबल, अगर एस और पी है थोड़ी सी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। और पी पी तो है ही साइड वाइज ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व, तो ये लीस्ट स्टेबल में जाते हैं। क्लियर, यहां तक समझ आ गया, ठीक है। अब जब मैं कॉन्फिगरेशन लिख रही हूँ किसी की, जैसे मैंने कार्बन की ही कॉन्फिगरेशन लिखी है, कार्बन इज टेट्रावेलेंट, हम पढ़ के आए हैं 10th में दैट कार्बन इज टेट्रावेलेंट, इट विल बी इन्वॉल्विंग इट्स 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो यानी कि ये एस और पी वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे, एस और पी वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हमें, 2 ये देगा 2 ये देगा, ठीक है। बट एक्चुअल में क्या होता है, देखो इन्वॉल्व तो हो गए, बट ये एस ऑर्बिटल है ये पी ऑर्बिटल है, दोनों में कुछ ना कुछ एनर्जी डिफरेंस होगा। जैसे हमने अभी बताया कि एस पी वाला ऑर्बिटल जो है वो एस एस से कम स्टेबल होता है, तो दैट मीन्स दे मस्ट बी हैविंग सम ऑफ द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन देम। तो जब ये कंबाइन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल, ये स्फेरिकली सिमेट्रिक है, ये कुछ ऐसा है पी एक्स पी वाई एंड पी जेड, ठीक है। तो इफेक्टिव ओवरलैप पॉसिबल नहीं है, इफेक्टिव ओवरलैप पॉसिबल नहीं है क्योंकि एस अलग से ओवरलैप करता है, पी अलग से ओवरलैप करता है। तो हमने ये देखना है कि जो बॉन्डिंग होगी मैक्सिमम ओवरलैप चाहिए हमें, ओके। अब इस चीज को हम कैसे सॉर्ट आउट करते हैं कि हमारा जो मॉलिक्यूल है हमने वो फॉर्म करना है, प्लस वो स्टेबल भी होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल कंसेप्ट ऑल्सो, कि उनके ऑर्बिटल्स भी ऐसे हों कि वो एक दूसरे में अच्छे से ओवरलैप करें, ठीक है। तो इससे इस चीज को ओवरकम करने के लिए व्हाट इज द कंसेप्ट, हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन ने क्या कहा, कहता आप जो मर्जी ऑर्बिटल्स ले आओ मेरे पास, चाहे आप एस वाले लाओ, चाहे पी वाले लाओ, चाहे डी वाले ऑर्बिटल्स लाओ, वट एवर ऑर्बिटल्स यू आर ब्रिंगिंग टू मी, मैं क्या करूंगा, मैं उसको एक बॉक्स में डाल के शफल कर दूंगा, ठीक है। मैं उसको क्या करूंगा, आई विल बी पुटिंग देम इन द बॉक्स एंड आई विल बी शफलिंग देम। शफल होने के बाद आपके पास कुछ ऐसे ऑर्बिटल्स आएंगे जो सारे एक दूसरे में सिमिलर होंगे, दे ऑल विल बी सिमिलर टू वन अनदर। समझ आई बात, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट क्या कहता है, कहता आप ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हो कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स का ओवरलैप है, तो मैक्सिमम ओवरलैप नहीं होता है, ठीक है। वो कहता है कि आप कोई भी ऑर्बिटल लाओ मेरे पास, चाहे एस पी का कॉम्बिनेशन लाओ, पी पी का कॉम्बिनेशन लाओ, ठीक है, एनी ऑफ द कॉम्बिनेशन यू ब्रिंग टू मी इन द फॉर्म ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हमने क्या करना है, उसको एक बॉक्स में डालना है, ठीक है, हमने उसकी शफलिंग कर देनी है। ऐसे ऐसे ही लाओगे जब आप उसको सपोज, ठीक है, ये मैं एग्जाम्पल के तौर से ले रही हूँ आपको, कि हमने क्या करना है, उसकी एक शफलिंग कर देनी है, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने इन सब को एक सिमिलर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की फॉर्म दे देनी है, जहां पर आप डिस्टिंग्विश ना कर सको कि कौन सा एस था कौन सा पी था, ठीक है। तो जो ऑर्बिटल्स आफ्टर मिक्सिंग होके आते हैं, मिक्सिंग करने के बाद जो ऑर्बिटल्स आते हैं, हम उनको कौन से ऑर्बिटल्स कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हम उनको कौन से ऑर्बिटल्स कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और देखो सपोज मैंने इनिशियली एक एस लिया दो पी ले लिए, ये दोनों एक एस ले लिया दो पी ले लिए, ठीक है। अब एस की शेप ऐसी है, पी की शेप ऐसी है, ओके। अब वो कह रहा है कि जब इनकी मिक्सिंग होगी, व्हेन दीज ऑर्बिटल्स दे आर गेट मिक्स्ड, ये अब आपको ऐसे नहीं नजर आएंगे, एस स्फेरिकली सिमेट्रिक नहीं आएगा, पी डंबल शेप में नहीं नजर आएगा, ठीक है। अब ये कैसे शेप नजर आएंगी आपको, लाइक दिस, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट दी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को ऐसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, हमने सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऐसे बनाने हैं। अब कोई भी ऑर्बिटल ऐसे नहीं बनाना और कोई भी ऑर्बिटल ऐसे नहीं बनाना, ठीक है। आफ्टर मिक्सिंग सारे एक दूसरे के साथ सिमिलर नजर आएंगे, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर हुआ बेटा, हाइब्रिडाइजेशन ने क्या कहा है, ठीक है। इट टेक्स इनटू अकाउंट द मिक्सिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स व्हिच आर हैविंग डिफरेंट डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी। तो एनर्जी और शेप के डिफरेंस के कारण जो ऑर्बिटल्स इफेक्टिवली कंबाइन नहीं कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि हमने उनकी मिक्सिंग कर देनी है, एंड आफ्टर मिक्सिंग यू विल बी गेटिंग द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दैट आर इक्विवेलेंट इन एनर्जी
एनर्जी भी इनकी सेम है और इनकी शेप भी सेम है। शेप तो आप देख ही सकते हो, ठीक है, शेप भी सेम होगी और एनर्जी भी सेम होगी। ओके, बट अगेन इसकी कुछ कंडीशंस हैं, देयर आर सम ऑफ द कंडीशंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले ये है कि हमने वो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व करने हैं जिनका एनर्जी डिफरेंस बहुत कम हो, ठीक है, यू हैव टू इन्वॉल्व दोज ऑर्बिटल्स विद लो एनर्जी डिफरेंस। जैसे सपोज मैं एक एस ले रही हूं और एक एफ ले रही हूं, दैट कॉम्बिनेशन इज नॉट पॉसिबल, दैट कॉम्बिनेशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इनके बीच में बहुत ज्यादा एनर्जी गैप है, बीच में पी ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, डी ऑर्बिटल्स आ रहे हैं। एस और पी का ले सकते हो, पी और डी का ले सकते हो, ठीक है। तो हमने ऑर्बिटल्स वो इन्वॉल्व करवाने हैं जिनका एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए एक दूसरे के साथ। ओके, द सेकेंड थिंग, द ऑर्बिटल्स ऑफ अ पर्टिकुलर सबशेल दे कांट हाइब्रिडाइज ऑन देयर ओन। अब अगर मैं कहूं कि कार्बन के ये जो एस और पी ऑर्बिटल्स हैं ये अपने आप पड़े पड़े हाइब्रिडाइज हो जाए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये तभी हाइब्रिडाइज करेंगे जब कार्बन जो है वो बॉन्डिंग करना शुरू करेगा। दे विल हाइब्रिडाइज ओनली व्हेन दे आर इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग पार्ट, एस और पी वाले, ठीक है। अब अगर मैं सेम सेम की बात करूं, जैसे पी एक्स और पी वाई है, ये वाले पी एक्स पी वाई और पी जेड, ठीक है, जो सेम वाले हाइब्रिडाइज नहीं होंगे कभी भी। ओके, द ऑर्बिटल्स दैट आर हैविंग इक्विवेलेंट एनर्जी, यहाँ पर पी एक्स पी वाई और पी जेड तीनों की एनर्जी सेम है, ठीक है, तो वो कहते हैं कि अपने आप पड़े पड़े कभी भी हाइब्रिडाइज नहीं होंगे बिकॉज दे आर हैविंग सेम एनर्जी। सो जिनकी एनर्जी सेम है वो हाइब्रिडाइज नहीं होंगे, ठीक है, अपने आप नहीं होंगे। बट अगर वो बॉन्डिंग कर रहे हैं तो जो दो डिफरेंट हैं वो एक दूसरे के साथ हाइब्रिडाइज कर सकते हैं ओनली व्हेन दे आर इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग, ठीक है। तो जब ये कार्बन जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा तो जो एस और पी ऑर्बिटल्स हैं वो अपने आप हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, जितने मैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स लूंगी, उतने ही मेरे पास क्या आएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे, ठीक है। तो नंबर सेम रहेगा, ये नहीं कि आप दो ऑर्बिटल्स लोगे और आपके पास जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे वो चार आएंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। मैं जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स लूंगी उतने ही मेरे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे, ठीक है। मिक्सिंग करने के बाद नंबर तो सेम ही रहेगा, बाहर से थोड़ी ना कोई ऑर्बिटल आ जाएगा ऐड होने। ओके, ओके, दीज आर सम ऑफ द कंडीशंस, ठीक है, ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब हम स्ट्रक्चर्स डिस्कस करते हैं, लेट्स डिस्कस द स्ट्रक्चर नाउ। डिपेंडिंग ऑन द हाइब्रिडाइजेशन वी आर हैविंग sp3, sp2 and sp, पहले हम ये तीन डिस्कस करेंगे, ठीक है। sp3 hybridization is trigonal planar, sorry this is tetrahedral, not trigonal planar, ये tetrahedral, sp3 is tetrahedral, ठीक है। पीछे से शुरू करते हैं, तीन और एक चार, चार वाली हम टेट्राहेड्रल पढ़ के आए ना, जब हमारे सेंट्रल एटम के पास चार एटम्स लगते थे तो ये टेट्राहेड्रल शेप देता था, ठीक है। जब हमारे सेंट्रल एटम के साथ दो और एक तीन इलेक्ट्रॉन्स अटैच होते थे तो ये कौन सा शेप देता था, ट्राइगोनल प्लेनर। एक एस है और एक पी है तो ये आपको कौन सी शेप देगा, हाँ जी नमन, ये कौन सी शेप थी, लीनियर, ठीक है, ये कौन सी शेप थी, लीनियर। तो डिपेंड, हाँ, बेंट शेप तब होगी अगर लोन पेयर इन्वॉल्व होंगे। अब यहाँ पर हम लोन पेयर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लोन पेयर हियर। तो नॉर्मल जो रेगुलर ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग इसकी कौन सी शेप थी, लीनियर शेप, ठीक है। तो इसकी टेट्राहेड्रल है, इसकी ट्राइगोनल प्लेनर है, इसकी लीनियर शेप। ओके, चलिए अब डिस्कस करते हैं, लेट्स टेक
वन एग्जाम्पल ऑफ टेट्राहेड्रल शेप. फर्स्टली टेट्राहेड्रल शेप में लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ CH4. मिथेन की एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है, मिथेन के लिए सबसे पहले कार्बन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं. 1s2, 2s2, 2p. यही है. हाँ जी यही है बेटा. ठीक है, अब यहाँ पर कौन कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं? s और 2p इन्वॉल्व हो रहे हैं. ठीक है, एनी वी कैन टेक. अकॉर्डिंग टू दिस हाइब्रिडाइजेशन एक s इन्वॉल्व हो रहा है और 3p इन्वॉल्व हो रहे हैं. ठीक है, तो ये तीनों के तीनों p हमने इन्वॉल्व कर लेने हैं विद दिस s. ठीक है, ये एक s और ये 3p जो हैं ये हमारे बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे. कितने टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो गए? हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स? 1, 2, 3 and 4. चार लिए ना हमने, चार कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आए हैं. राइट, तो जब इनकी बॉन्डिंग होगी तो हमारे पास चार ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे. तो चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेते हैं. बेटा आपने हमेशा ऐसे बनाने हैं, सी ऐसे बना लिए पहले, बड़ी वाली लोब्स बना लेनी है, उसके बाद आपने छोटी लोब्स जो है वो इन बिटवीन चार बनाने ऐसे. ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को मैंने कैसे शो किया था? आई शोड देम लाइक दिस, जिसमें एक बड़ी लोब बनाते हो आप, एक छोटी लोब बनाते हो. ठीक है, जब हमने स्ट्रक्चर बनाना है तो हमने बड़ी लोब दिखानी है, छोटी लोब साइड्स में दिखानी है, बीच बीच में उनके. ठीक है, तो ये मैंने अभी कार्बन का स्ट्रक्चर लिखा है बस. ओके, दिस आई हैव ओनली रिटन द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन. अब आप ये पूछोगे कि मैंने यहाँ पर तीन ऑर्बिटल्स कैसे इन्वॉल्व करवाए हैं? यहाँ पर तो मैंने दो लिखे हैं. आई हैव रिटन P2 हियर, तो मैं तीन ऑर्बिटल्स कैसे इन्वॉल्व करवा रही हूँ? एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी शिफ्टिंग होती है टू द नेक्स्ट ऑर्बिटल. जैसे यहाँ पर आपके पास s के दो थे, यू आर हैविंग 2s एंड 2p लाइक दिस. ठीक है, अब VBT थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने क्या कहा था कि हमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए. ठीक है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब कार्बन टेट्रावेलेंट है ये भी हमें पता है. ठीक है, तो दिस इज द ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन. ये मैंने कौन सी उसकी स्टेट बनाई है, कॉन्फ़िगरेशन कैसी लिखी है? ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन. ओके, नाउ फॉर राइटिंग द एक्चुअल बॉन्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन हम इसकी कौन सी स्टेट लिखते हैं? एक्साइटेड स्टेट, जिसमें हम क्या कहते हैं, वी विल बी इन्वॉल्विंग और वी विल बी शिफ्टिंग दिस वन इलेक्ट्रॉन टू दी पी ऑर्बिटल. ठीक है, जहां पर मैं इस एक इलेक्ट्रॉन को पी ऑर्बिटल में शिफ्ट करूंगी, क्योंकि VBT थ्योरी हमें कहती है कि बॉन्डिंग के लिए सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए एंड दैट टू विद दी ऑपोजिट स्पिन. ठीक है, तो हमारे पास ये सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आ गए अब, क्योंकि ऐसे तो होनी नहीं थी बॉन्डिंग. ठीक है, तो 1, 2 and 3, 4, तो आपको चार इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के बिल्कुल क्लियर नजर आ रहे हैं बॉन्डिंग के लिए. यस, इज इट क्लियर? अब आपको चार स्ट्रक्चर, चार इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कार्बन के क्लियरली नजर आ रहे हैं ना. यहाँ पर आपको सिर्फ दो दिख रहे थे, पर कार्बन तो टेट्रावेलेंट है तो वो दो थोड़ा बनाएगा, वो चार के साथ बॉन्डिंग करेगा. तो यहाँ पर फोर इलेक्ट्रॉन्स, दे आर वेरी वेरी क्लियर टू अस. ठीक है, तो ये एक एस हो गया है और ये 3p हो गए. ओके, सो दिस इज हाउ द हाइब्रिडाइजेशन sp3 इट टेक्स प्लेस. अब ये सिर्फ मैंने कार्बन का स्ट्रक्चर बनाया अभी तक यहाँ तक. ठीक है, आफ्टर डूइंग द हाइब्रिडाइजेशन, मिक्सिंग करने के बाद ऑर्बिटल्स की, यहाँ तक सिर्फ कार्बन की लोब्स बनाई है मैंने. अब हाइड्रोजन देखो, चार हाइड्रोजन अटैच हैं. हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1. कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व है? एस ऑर्बिटल इन्वॉल्व है. एस कैसा होता है? स्फेरिकली सिमेट्रिक. ठीक है, तो स्फेरिकली सिमेट्रिक हम यहाँ पर ऐसा बना देंगे. ठीक है, वेयर वी आर सेइंग दैट दिस ओवरलैप इट टेक्स प्लेस हियर द हाइड्रोजन इज बीइंग इन्वॉल्व. तो ये ओवरलैपिंग रीजन आपको शो करता है. ओके, सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ मिथेन इज. ऐसा होता है मिथेन का स्ट्रक्चर CH4.
दैट इज द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग कौन सा स्ट्रक्चर है ये? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। हाँ जी बेटा, एनी डाउट टू एनी वन पूछ लीजिए, बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन बीबीटी और एमओटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, किसी को कुछ चीज नहीं समझ आई बेटा? हमने हमेशा पहले ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, फिर एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, फिर हमने देखना है कौन कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी हाइब्रिडाइजेशन देखनी है, एंड देन वी विल बी ड्रॉइंग द फाइनल स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया नमन आपको? ठीक है, अब नेक्स्ट बनाते हैं। ये जो मेन टॉपिक है, इट इज लिंक्ड विद थ्री टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्चुअली, जो आप कार्बन के पढ़ के आते हो, C2H6, C2H4, C2H2। हमने ये तीनों भी डिस्कस करने हैं, मेन यही तीन स्ट्रक्चर हैं हमारे। ठीक है, चलिए अब C2H6 देख लेते हैं। C2H6 इज हैविंग द सेम स्ट्रक्चर। ठीक है, C2H6 की हाइब्रिडाइजेशन सेम होगी, दैट इज द टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा मैं रब करके, आपने ये सारी चीजें दोबारा से लिखनी है उसके लिए। ठीक है, अब देखो C2H6 है, मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, 1, 2, 3, 4 रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना हम इसको। ठीक है, कार्बन है, इसको स्ट्रक्चर को अगर आप खोल के लिखो तो ये कुछ ऐसा है, isn't it? बिल्कुल मिथेन वाला स्ट्रक्चर बन गया, जहां पर तीन हाइड्रोजन है और एक कार्बन के साथ उसकी बॉन्डिंग है, तो इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक द मिथेन स्ट्रक्चर जो अभी हमने बनाया। कार्बन जो है वो आगे चार के साथ इन्वॉल्व है। ठीक है, तो यही मिथेन का स्ट्रक्चर बनाया था मैंने अभी, ये मैंने बना दिया यहाँ पे। सिमिलरली अगर मैं ये दूसरा कार्बन देखूं, तो ये भी तो चार के साथ लिंक्ड है, तीन हाइड्रोजन हैं और एक कार्बन है, तो यानी कि इसका भी सेम कैसा स्ट्रक्चर होगा? मिथेन जैसा ही स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो ये दूसरे कार्बन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली लाइक मिथेन। ठीक है, बीच में आपने चार छोटी लोब्स दिखा दी। इज दिस स्ट्रक्चर क्लियर? अगर आप एक इंडिविजुअल कार्बन को देखो, तो इंडिविजुअल कार्बन जो है वो आगे चार बॉन्ड्स बना रहा है, दैट स्ट्रक्चर इज एग्जैक्टली सिमिलर टू मिथेन स्ट्रक्चर। जैसा CH4 का स्ट्रक्चर बनाया है, वैसे ही एक ये है और एक ये दूसरा कार्बन है। हो गया? हाँ जी, क्लियर है बेटा? क्लियर है? अब ये कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग हो गई बाय सिग्मा बॉन्ड, सब में सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, अभी तक हम पाई बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं किया। ठीक है, सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, और साथ में हमने तीन हाइड्रोजन अटैच करने हैं, तो ये तीन इसके, इस वाले कार्बन के, और ये तीन इस वाले कार्बन के। ठीक है, सो दे ऑल आर इन्वॉल्व इन द सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। ये सारे किस बॉन्ड में फॉर्मेशन हो रही है? इनमें सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। एनी डाउट टू एनी वन बेटा, यू कैन आस्क। बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं हाइब्रिडाइजेशन के, मैं अभी तक बिल्कुल सिंपल से आपको करवा रही हूँ। मिथेन से हमने इथेन किया है। ठीक है, हाँ जी, हो गया क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, अमोनिया की एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं अब। ठीक है, अमोनिया इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अमोनिया और वाटर दोनों की sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, NH3 नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं सबसे पहले, 1s2 2s2 2p3। ठीक है, 7 है ना, 3 2 5 6 7। ओके, चलिए अब इसके ऑर्बिटल्स का कंसेप्ट लिख लेते हैं। तो दिस इज 2s एंड दिस इज 2p। ठीक है, ये मैंने 2s बनाया है एंड दिस इज 2p। अब अगेन हमें पता है अमोनिया का हमने ये लोन पेयर काउंट करना है। ठीक है, सो दैट मींस अगेन एक s इन्वॉल्व हो रहा है, और कितने p इन्वॉल्व हो रहे हैं? हाँ जी, कितने p इन्वॉल्व हो रहे हैं बेटा नमन? 3p। ठीक
ठीक है, तो क्या स्टेट हो गई हाइब्रिडाइजेशन की, sp3। ठीक है, एक s इन्वॉल्व हो गया एज लोन पेयर और तीन क्या है, p है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। अब यहां पर हमें एक्साइट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लोन पेयर है। ओके, हेयर वी विल नॉट बी राइटिंग नाइट्रोजन इन द एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि हमारा काम ग्राउंड स्टेट में हो रहा है। ठीक है, हमारा काम ग्राउंड स्टेट में हो रहा है। अगर ये इसको बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करना होता तो मैं इसको एक्साइट करती। ठीक है, अब क्योंकि ये तो फ्री है तो ये एज इट इज हम लिख सकते हैं। अब देखो, अगेन यू आर इन्वॉल्विंग फोर ऑर्बिटल्स, एक एस है और तीन पी है, आप चार ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व कर रहे हो, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, ऐसे करके आपने ये चार होल्स बना दिए। हो गया क्लियर? अब कितने हाइड्रोजन लगाने हैं हमने साथ, तीन हाइड्रोजन है, और ये वाला जो लोब है इसमें क्या जाएगा, लोन पेयर। दिस लोब इट विल कंटेन वन लोन पेयर। ठीक है बेटा, क्लियर नाउ? हो गया क्लियर ये? ठीक है, सिमिलरली जब आपने ऑक्सीजन का बनाना है, मैं ड्रॉ नहीं करूंगी, ये आपके लिए होमवर्क है, बस मैं आपको लास्ट स्ट्रक्चर बता देती हूँ, क्योंकि ऑक्सीजन में आपके पास दो हाइड्रोजन आएंगे। ठीक है, अब एक जो है ये वाला बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा क्योंकि इसके पास क्या होगा, लोन पेयर। ठीक है, तो CH4 वाटर अमोनिया C2H6, ये चार स्ट्रक्चर हमने किस हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में डिस्कस किए हैं, sp3 में डिस्कस किए। क्लियर हो गया बेटा? हाँ जी, इज दिस क्लियर? एनी डाउट टू एनीवन बेटा, यू कैन आस्क। अच्छा, इसमें मुझे ये बताओ एस और पी की कितनी परसेंटेज हो सकती है 100 में से, एक एस है और तीन पी है, तो इसको आप कैसे 100 में डिवाइड करोगे? 75 एंड 25। वेरी गुड। ठीक है, तो एस जो है वो 25% इन्वॉल्व है और जो पी है, तीन पी जो है, दे आर एस 75%। ठीक है, तो एस करेक्टर 25% है और पी करेक्टर कितना है, 75%। ठीक है, एक बारी देख लो बेटा, अगर sp3 में कोई डाउट है आप भी नमन देख लो, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कोई स्टेप जो आपको ना क्लियर हुआ हो। Any step that is not clear to you, you can tell beta. ठीक है, हो गया क्लियर? नेक्स्ट पे चले। हाँ जी, क्लियर है बेटा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? ठीक है, यस नो? बेटा कुछ तो बोला करो। सिर्फ राघव को समझ आया, रमन को समझ आया? ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, वी आर हैविंग 2-3 मिनट्स। अब नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है sp2। sp2 में हम इन्वॉल्व करेंगे c2h4 को। ठीक है, एंड वी विल बी टेकिंग द एग्जांपल ऑफ bcl3 bf3। ठीक है, वी विल बी टेकिंग द एग्जांपल ऑफ bcl3 और bf3। चलिए, दो और एक तीन। ठीक है, तो एक एस इन्वॉल्व करेंगे, दो पी इन्वॉल्व करेंगे। बोरोन के एग्जांपल ले लेते हैं पहले। बोरोन इज 5। ठीक है, तो मैंने ये लिख लिया। अब ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, मुझे एक्साइटेड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन भी चाहिए इसमें, क्योंकि मुझे क्लियरली नजर आ रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन के साथ तो मैं बॉन्डिंग नहीं कर सकती। ठीक है, तो आई विल बी शिफ्टिंग this to the next orbital। ठीक है, तो जब मैंने शिफ्टिंग कर दी तो मेरे पास क्लियरली अब तीन इलेक्ट्रॉन्स विजिबल हैं। ठीक है, अब मुझे ये भी दिख रहा है कि मेरा एक p क्या रह गया, खाली रह गया, 1p is empty। ठीक है, एक p ऑर्बिटल जो है वो क्या है, empty है यहाँ पे। ओके, नाउ अब अगर s करेक्टर देखें तो s ये होगा और दो आपके p इन्वॉल्व है, राइट, वेयर 1p इज एम्प्टी। ठीक है, एक p जो है वो खाली है आपका। अब ये तीनों मिलके आपके पास कितने ऑर्बिटल्स देंगे, हाउ मेनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यू विल गेट बेटा, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को हम ऐसे शो करेंगे।
ओके राइट. सो दिस इज हाउ द थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दे विल लुक लाइक. और हमने इसके साथ किसकी बॉन्डिंग करनी है, क्लोरीन की. ठीक है, अब अगर मैं क्लोरीन की कॉन्फिगरेशन देखूं, देन दिस इज 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 7. ठीक है, 12 और 7, ये तो 19 बन गया ना, 5 आएगा, 7. ठीक है, 5. यानी कि इसका कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में, इसका कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में, पी ऑर्बिटल. ठीक है, तो पी ऑर्बिटल को हम ऐसे शो करेंगे, जैसे एस जो था वो स्फेरिकली सिमेट्रिक था, बट यहाँ पे क्योंकि पी ऑर्बिटल है तो आई विल बी शोइंग द कॉन्फिगरेशन और आई विल बी शोइंग द स्ट्रक्चर लाइक दिस, जहां पर ये कॉमन रीजन आ गया इनका, एंड हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लोरीन. ठीक है, तो बोरोन के साथ 3 क्लोरीन जो है वो अटैच कर देंगे. ठीक है, दिस इज हाउ द कॉन्फिगरेशन फॉर BCl3 इज देयर. ठीक है, चलिए, रेस्ट वी विल बी डूइंग टुमारो.